ओम शांति। 30 नवंबर 2020 के बाबा के साकार महावाक्य आज की मुरली के मुख्य 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, रूहानी बाबा की श्रीमत है, तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है। मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, परमात्मा बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही ये सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। तीसरा पॉइंट, प्यार के समंदर बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं, तो भी कम पद पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। चौथा पॉइंट, हम रूहानी बच्चों को अब फिर बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल, तमो प्रधान बने हो, अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है, ग्लानी की कोई बात नहीं। 5वां पॉइंट, पतित पावन बाबा समझाते हैं, कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी, आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना, बुद्धि में धंधा धोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा, तुम याद में बहुत रहेंगे। 6वां पॉइंट, ऑलमाइटी बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ, अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। 7वां पॉइंट, मीठे मीठे बाबा इशारा करते हैं, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति। अब मुरली सुनते हैं विस्तार सहित। मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो, अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे, इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने।
जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं, हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांवड़ों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही ओना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वे तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहते। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, वे तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही ये सुनाओ कि निराकार श्री बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं, योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम हैं जिनको इस राज योग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्पोरेरी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल का तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है, माया ते हारे हार, तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटखिट हो पड़ती है, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे, ये क्या सर्विस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अजुन ये अवगुण हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, ये सिर्फ एक को थोड़े ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए।
बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दें वे तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ब त बारह, अर्थात एक के साथ दो मिलने से बारह हो जाते। बारह होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं, अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद करते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने ये मदद देते हैं, कायदे सिर लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबर वार है ना, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान से बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते, शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है, सबका फादर भी एक है, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है, एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है जाएं? बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसने कहा? बाप ने खुद कहा है मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है, बाप को याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वे कुछ पता नहीं,
जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं, ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो हैं, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गला कटा हुआ है। बाप के बगैर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ, 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं परंतु वे कब आएंगे ये नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया, बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। श्री बाबा है बेहद का मालिक, बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सत्युग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थीं। अभी इन बातों को तुम समझते हो, श्री बाबा क्यों आया होगा, जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। ऊंच कार्य किया होगा, मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो, हमको कोई से नफरत नहीं आती, ये समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है, अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो, अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है, ग्लानी की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा, क्यों का सवाल ही नहीं उठता, ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है, अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए, सोने की बुद्धि कैसे बनेगी, आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना, बुद्धि में धंधा धोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुना। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। श्री बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं, मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे, फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है, बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है, भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए,
कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास, चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक। मेहनत के सिवाय थोड़े ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के कोई कोई को तो बंधन नहीं है, तो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो हैं, भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाप कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतोप्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण, अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है, उस समय सिर्फ माया के बहाने बाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति।